पिथौरागढ़ में बादल फटने से कई ग्रामीणों की मौत और सड़कों के टूटने से के बाद वहां रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। मुख्यमंत्री हरीश रावत के निर्देश पर सिटी मजिस्ट्रेट और उप जिला अधिकारी हल्द्वानी भी ऑपरेशन के समय मौजूद रहे। उन्होंने खुद 3 घायलों को हेलीकॉप्टर के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। घायलों में एक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है और 2 की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। इस घटना पर वित्त मंत्री इंदिरा हृदयेश ने केंद्र सरकार और राज्य बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र ने सिर्फ मदद की बात कही है, लेकिन कितनी मदद दी जाएगी और कब दी जाएगी ये नहीं बताया, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड को मदद देने में कितनी गंभीर है। दो घायल जो हैं वो डीडी हाट के हैं, जो 2-3 दिन पहले डीडी हाट में भूस्खलन हुआ था, और एक घायल जो है हमारा जो है जो हमारी यात्रा मानसरोवर यात्रा चल रही है उसका है, और तीनों को जो है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल ले जाया गया है, और आगे वहाँ जाके जैसे ही डॉक्टर जिस तरह की राय देंगे उस तरह से किया जाएगा।